महाभारत के वन पर्व के अंदर उल्लेख मिलता है 83वें अध्याय के अंदर कि जो सरस्वती नदी है उसका दक्षिण भाग और सरस्वती नदी के उत्तर भाग के बीच का जो एरिया है वो कुरुक्षेत्र कहलाता है। और कितना है ये? 5 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा। एक योजन में 2 कोस होते हैं और एक कोस में 4 मील होते हैं, तो कितना हो गया? 40 मील लंबा और 40 मील चौड़ा। अब यहां पर सवाल आता है कि इसके अंदर 11 और 7 18 अक्षौहिणी सेना जमा, एक अक्षौहिणी कितनी होगी? एक अक्षौहिणी जो है वो सेना जो है कितनी होती है? अक्षौहिणी में कितने लोग हो चुका है इसके लेकर तक जो कर रहा हूं, तो रिवीजन कर रहा हूं, ऐसा ना हो रिवीजन नहीं लेक्चर हो जाए, पूरी फिल्म चल जाए, ये नहीं चाहिए। एक अक्षौहिणी के अंदर 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक। अब आप अंदाज लगाओ कि यहां से हाईवे जो है जा रहा है हीरो होंडा चौक से लेके मान लीजिए धौलापुर, और इसके ऊपर आपने जो है 21,870 हाथी इकट्ठे कर दिए, 21,870 हाथी इकट्ठे कर दिए और 65,610 घोड़े इकट्ठे कर दिए और इनको गुना किया 18 से, तो सड़क पर खड़े होने की जगह बचेगी कि आएंगे ही नहीं पूरे? तो पूरे ही नहीं आएंगे क्योंकि 10 मील के अंदर नहीं हो सकता। ये 5 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा का 40 मील चौड़ा और 40 मील लंबा जो है वो क्षेत्र। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना। प्रश्न ये आता है कि दुर्योधन के बारे में चूंकि लोग जानते थे कि अधर्मी है तो उसके पास सेना ज्यादा क्यों है और पांडवों के पास कम क्यों है? रीजन बताइए। छल नहीं गए, राजनीति छल में और राजनीति में थे। 12 साल वनवास और 13वां साल अज्ञातवास, इस दौरान में जो है उसने ऐसा चाल चली है कि उसकी तरफ सारे लोग खींचे हुए चले। ये उसकी एक दुर्योधन का अच्छा राजनीतिक होने की पहचान थी, ये दुर्योधन की एक अच्छा राजनीतिक होने की पहचान थी। वो चाहता था कि ज्यादा सेना को इकट्ठा करे। 9 अक्षौहिणी सेना उसने अपनी राजनीति से इकट्ठी करी थी, 10वीं अक्षौहिणी उसने जो है भगवान कृष्ण से नारायणी सेना ली थी और 11वीं अक्षौहिणी जो है उसने शल्य की सेवा करके उससे प्राप्त कर। अब अगला प्रश्न है श्लोक संख्या 2 से। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। कौरवों का सेनापति कौन है और पांडवों का सेनापति? कौरवों का सेनापति कौन है? और पांडवों के सेनापति कौन है? आप कुछ कह रहे? दृष्टद्युम्न। अब प्रश्न यह है कि दुर्योधन जो है वो सेनापति के पास न जाके और द्रोणाचार्य के पास क्यों गए?
भाई आपको जो है अगर सेना का संचालन करना है, युद्ध करना है, तो आप सेनापति के पास जाएंगे या किसी दूसरे के पास? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक श्लोक जो है पहले अध्याय का मड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। क्यों उसके और उन्होंने बात ठीक कही है, पार्ट ऑफ इट, एक हिस्सा जो है उसका ठीक। देखिए दुर्योधन के बारे में एक बात तो मैंने अभी बताई कि राजनीति के वीर भी था, तो सबसे पहली बात यह है कि संजय जो है उसको राजा कह के पुकारा है, राजा नहीं, राजा कौन है? धृतराष्ट्र, राजा है धृतराष्ट्र, परंतु संजय उसको जो है राजा कह के पुकार रहे हैं। एक तो स्वाभाविक आदर दिया कि जो तो संत होते हैं, जो जो यूनाइटेड पर्सन हैं, वो किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते, तो उन्होंने उसको आदर दिया। नंबर दो, उन्होंने वहां पर इसलिए इस्तेमाल किया कि इसके प्रति राजा शब्द सुनकर धृतराष्ट्र खुश हो गए। सेवक है ना, तो स्वामी की प्रसन्नता भी उसका कार्य है, तो कहते हैं वो प्रसन्न हो। अब द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? उसका प्रथम कारण ये था, उसे पता है कि भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा करी है कि मैं कौरव राज्य के प्रति समर्पित रहूंगा, उसकी सेवा के प्रति समर्पित रहूंगा, तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, वो डेविएट नहीं करेगा। परंतु द्रोणाचार्य ने कोई प्रतिज्ञा नहीं करी, उसने कोई प्रतिज्ञा नहीं करी। अब वो जो है प्रतिज्ञा से न बना होने के कारण और पांडवों से उसका उनका जो है नैसर्गिक प्रेम है, क्योंकि वो उसके प्रिय शिष्य है, ऐसा ना हो कि वो ऐन मौके पे पलट जाए, उनके प्रति प्रेम न पलट जाए। और तीसरा तीसरा कारण ये है कि सिर्फ एक द्रोणाचार्य ही ऐसे हैं जो स्थिति के अंदर भीष्म पितामह को परामर्श दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई उनको परामर्श दिलवाना है, दुर्योधन को पता है कि मैं छोटा हूं, उनका पोता हूं, हो सकता मेरी बात न माने, परंतु द्रोणाचार्य ऐसे हैं उनकी बात माने। फिर वो कहता है द्रुपद पुत्रेन, अर्थात पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। वो सिर्फ दृष्टद्युम्न कह सकता कि दृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया, सेनापति का नाम लेता और कहता कि व्यवस्थित किया है, परंतु ने क्या शब्द इस्तेमाल किए? द्रुपद पुत्रेन, क्योंकि उसे यह मालूम है कि राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का वैर भाव, और उस वैर भाव को प्रतिलक्षित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, उनको उनको थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए, ये देखिए कौन कर रहा है। और इसका एक अर्थ जो है अगले श्लोक में, अगले श्लोकों में भी आएगा। क्या आएगा? कि वो जब सात्विकी की बात आई, अगले श्लोकों में आएगा, चर्चा करूंगा। अभी उसने कहा कि कौशल से व्यवस्थित किया है, मतलब सात अक्षौहिणी सेना हमारी 11 अक्षौहिणी से अच्छी दिखाई दे रही है, उसकी प्लेसमेंट ऐसे है कि उस प्लेसमेंट में से जो उनकी सात अक्षौहिणी सेना है वो हमारी 11 अक्षौहिणी सेना के मुकाबले में बढ़िया दिखाई दे रही है। तो ऐसा ना हो कि हमारे सैनिक जो है उनकी व्यवस्था देख के साइकोलॉजिकली हतोत्साहित हो, इसलिए जो है वहां पर जो द्रोणाचार्य को विवर चलानी बता रहा है, खुशी कर रहा है और जानता है कि द्रुपद सेन का मैर है, इसके लिए शत्रुओं की शक्ति जो दुश्मनी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा। चौथा श्लोक है,
शूरा महेश्वरा सह भीमा गुरु समाजी युधानो विराट के पदच्च महाराज का इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक गुरुवर हैं, जैसे महारथी युधान विराट तथा क्या शब्द समान हुआ है महेश्वासा। महेश्वासा का अर्थ होता है महान धनुष वाला, इसके पास विराट धनुष है। तो वो कह रहा है कि विराट धनुष जो है केवल अर्जुन के पास नहीं, और भी महारथी है जिनके पास विराट धनुष है, अकेला वो नहीं है। तो साथ ये कह रहा है युधान, युधान कौन है, इसका दूसरा नाम है सात्यकी। अभी चर्चा कर रहा था कि आपसे जो है सात्यकी की बात कर रहे हैं। सात्यकी जो है यादव वंश के हैं, राजा श्रेणी के पुत्र हैं, यादवों की तरफ अर्थात कृष्ण की तरफ से वो पड़े। नंबर दो विराट मत्स्य देश के राजा है, इन्हीं के यहां पर जो है इन लोगों ने एक अज्ञात वास काटा, एक वर्ष का अज्ञात वास काटा। उन्हीं की लड़की जो पुत्रा है उसे अभिमन्यु की शादी, जिसके पुत्र है परीक्षित महाराज। विराट राजा विराट के तीन पुत्र हैं, पुत्र श्वेत शंख, तीनों की मृत्यु जो है थोड़ा जा रहा है। राजा द्रुपद, द्रुपद कहां के राजा, राजा द्रुपद जो है पांचाल देश के राजा, पांचाल देश के राजा थे, राजा कृष्ण के पुत्र थे, भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। उन्हीं भारद्वाज मुनि के यहाँ जो है द्रोणाचार्य के साथ इनकी दोस्ती हुई, और उसके बाद जो है जब द्रोणाचार्य जो है अलग हो गए और राजा द्रुपद ने अपना राज्य संभाल लिया, उसके बाद द्रोणाचार्य जो है जो राजा द्रुपद के पास जाते हैं अपनी मित्रता का उल्लेख करके उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए कि तुमने कहा था तुम्हारा राज्य मुझे दे दोगे, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि गरीब और अमीर में दोस्ती नहीं हो सकती, गरीब में और अमीर में दोस्ती नहीं हो सकती। अब जब द्रोणाचार्य से राजा द्रुपद हार जाते हैं तब वो क्या करते, वैर भाववश यज्ञ लगाते हैं दो ऋषि पुत्रों के द्वारा, याज और उपयाज, और उससे जो है जो पुत्र की प्राप्ति होती है इसका नाम रखा जाता है पृष्ठतम, जो कि धनुष लेके यज्ञ से प्रकट हुआ था, और उसके पास यह वरदान था कि वो द्रोणाचार्य के वध का कारण, और उसी यज्ञ से एक लड़की की प्राप्ति होती है, इसका नाम है याज्ञसेनी। याज्ञसेनी उसका दूसरा नाम है कृष्णा, कृष्णा मतलब सांवले रंग, सांवले रंग की, और राजा द्रुपद की पुत्री होने के नाते उसका नाम है, इसी में शब्द इस्तेमाल आया है दृष्ट केतु। दृष्ट केतु का नाम क्यों लिया, रीजन है कि दृष्ट केतु जो है शिशु बाल का पुत्र है, और शिशु बाल का वध जो है कृष्ण के हाथों हुआ है, और कृष्ण जो है वो पांडवों की तरफ से खड़े हैं, तो डिमार्केट करता है देखो दृष्ट केतु भी उनकी तरफ है, हालांकि उसे आपकी तरफ होना चाहिए। अर्जुन है, कृष्ण है, तो कृष्ण का जो वैरी है शिशुपाल उसका पुत्र किसकी तरफ से खड़ा, पांडवों की तरफ से, कौरवों की तरफ से नहीं है। तो एक एक उसने इतने सारे योद्धा थे उसमें से चुन के नाम लिए, क्योंकि हर योद्धा के नाम के पीछे रीजन, हर योद्धा के नाम के पीछे रीजन। चेकीदान वृष्णिवंशी यादव है, पांडवों की तरफ से सात सेनापतियों में से एक सेनापति, ये सारी बातें आपको महाभारत में मिलेंगी, महाभारत पढ़ते जाएंगे आपको उल्लेख मिलता जाएगा। काशीराज
काशी राज की तीन कन्याओं का हरण किया था भीष्म का, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो काशी राज जो है वो पांडवों की तरफ से खड़े थे। गुरु जी कुंती भोज, कुंती भोज जो है कुंती के भाई, कुंती कौन है, पांडवों की माता, कृष्ण की बुआ। वासुदेव के बिना शूरसेन ने अपनी पुत्री जो है अपने बुआ के संतान विहीन लड़के को दी थी, उसका नाम ही कुंती भोज था। उनकी लड़की जो है महारानी कुंती लड़की है, तो उनका जो है पांडु से विवाह हुआ। इसके बाद श्लोक में आता है शैव्य बहुत बलवान है, युधिष्ठिर के ससुर है। युधामन्यु उत्तम ओजा, पंचाल देश के राजा है। तो पंचाल देश आज की तारीख में कहा है, आज की तारीख में पंचाल कहा, किधर पंचाल है। कुछ जगह पे उल्लेख मिलता है कि पंजाब को पंचाल कहते हैं, तो आज का पंजाब है, बहुत बड़ा पंजाब था पहले, जिसको जो है पंचाल कहा जाता है। अभिमन्यु किसके पुत्र है, अर्जुन और सुभद्रा के, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र है। इन्होंने चक्रव्यूह के वेदन की विधि जो है माता के पेट में सीख ली थी, परंतु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं सीख पाए, क्योंकि माता सो गई और ये जो है दुशासन के हाथ से उसकी गदा से मारे। अब अगले श्लोकों में आता है द्रौपदी के पांच पुत्र। द्रौपदी के पांच पुत्र कौन है, युधिष्ठिर से प्रतिबिंध, भीमसेन से सुत्सोम, अर्जुन से शुद्धकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से शुद्धसेन। ये अश्वत्थामा के हाथ मारे गए थे रात्रि में सोते हुए युद्ध के बाद। तो इन सब की चर्चा करते हुए जो है आठवें श्लोक तक आ जाते हैं। अब आठवें श्लोक में क्या कहता है, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। ऐसा ना समझे कि मैं उन्हीं के बात का बात कर रहा हूं, हमारे यहां भी बड़े बड़े योद्धा। तो पहले योद्धा का नाम क्या दिया, पहले योद्धा किसका नाम दिया, भीष्म पिता। कौन है भीष्म, पांडवों और कौरवों के दादा, वो तो एक हो गया। दूसरा देखिए परिचय कई है, आप किसी का मामा है तो किसी के चाचा है, किसी के दादा है तो किसी के भाई है, किसी के पति है, अलग अलग व्यक्ति रही है, पर चर्चा तो उसका परिचय जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ जो है भीष्म का एक परिचय आपने बताया कि कौरवों और पांडवों के दादा है, उनका दूसरा परिचय क्या, गंगा पुत्र है। गंगा के साथ किसका विवाह हुआ था, यह नहीं हारी गई, तो केवल विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने कहा कि द्रौपदी जो है नहीं हारी, अकेले ज्ञान में एक तरफ थे और ये अकेले एक तरफ थे। अब इसी के अंदर जो है शब्द इस्तेमाल हुआ है सौमदती। सौमदती कौन, सोमदत्त का दूसरा नाम है भूरिश्रवा। सोमदत्त के पुत्र है, शांतनु के बड़े भाई है भाई, उनके पौत्र ये सात्यकी के हाथों मारे गए। अब हमने जो है यहां पर चर्चा करी सात्यकी की, और चर्चा करी हमने जो है इसके पहले कृष्णद्रुम्न की। इन दोनों में दुर्योधन की निगाह से क्या संबंध है, क्या बात वो जो है दोनों का नाम लेके समझाना चाहता है द्रोणाचार्य। वो उनके दिमाग के अंदर जो है ये बात बिठा देना चाहता है, देखिए आपका शिष्य कौन है,
अनिष्टतम, और किसकी तरफ से खड़ा है? पांडवों की तरफ से। और अर्जुन का शिष्य सात्यकी तो किसकी तरफ से खड़ा है? पांडवों। मतलब आपका शिष्य भी उनकी तरफ है, उनका अपना शिष्य भी उनकी तरफ। अब चर्चा होती है इसके बाद, ठीक है, थोड़ा लंबा ही हो गया। ग्यारहवां श्लोक, अतएव सैन्य युद्ध में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म को पूरी सहायता दें। हरेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता भीष्ममेव अभिलक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म को पूरी पूरी सहायता दें। क्यों भीष्म पितामह को, क्यों किसी और को? क्यों सेनापति को हेल्प चाहिए क्या? सेनापति तो सारे तो है, तो कहने की क्या जरूरत है? तो रीजन है सहायता देने का, यहां पर अर्थ यह है कि टेक केयर ऑफ है। क्यों? कोई ऐसा कारण न बने कि पांडव इनके सामने शिखंडी को खड़ा करें। यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि सेनापति के सामने जैसे ही शिखंडी आएगा तो ये युद्ध लड़ना बंद कर। यहां पे केयर देने का मतलब क्या है कि आपने किसी भी तरीके से इनके सामने शिखंडी को नहीं आने। बिल्कुल मालूम था, मालूम था, छुपी हुई बात नहीं है। उसको ज्ञान है कि अगर शिखंडी सामने आ जाएगा तो भीष्म जो है, असल में क्या है, जब पूरी भगवत गीता हो जाती है, भगवत गीता का जो संदेश चल रहा है, कि जब हो जाता है तो अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे सारे के अंदर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे बुद्धि में नहीं समाती, आपकी बुद्धि में नहीं समाई, बहुत सारी बातें नहीं आती, परंतु 45 मिनट में तो पूरी भगवत गीता पढ़ दी भगवान ने बोल दी। आप तो श्लोक आप नहीं पढ़ सकते 45 मिनट में, आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, भगवान को बोलने के लिए समय नहीं चाहिए। भगवान जब दृष्टि बात करते हैं तो प्रकृति विक्षुब्ध हो जाती है, रचना हो जाती है, संत ब्रह्मांडों की रचना हो रही है एक श्वास। भगवान ने तो 45 मिनट के अंदर जो है पूरी भगवत गीता बोल दी। तो यहां पर जो है मुख्य बात यही आ रही है कि किसी भी तरीके से अगर जो है भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया गया तो भीष्म जो है युद्ध करना बंद कर देंगे, वहीं पर बैठ जाएंगे, तो हारने के पूरे पूरे चांस। इसलिए वो कह रहा है कि किसी भी कीमत पे आपने इनको आगे खड़ा नहीं होने, शिखंडी को आगे खड़ा नहीं होने देंगे। बारहवें श्लोक में कहा जा रहा है, तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम्प्रतापी एवं वृद्ध पिता में भीष्म ने सिंह अर्जुना ध्वनि करने वाले अपने शंख को कुछ स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अगले श्लोक में कहा जा रहा है, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगल तुही तथा सिंह एक साथ बज उठे, यह संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। युद्ध आरंभ हो गया क्या? अभी आरंभ नहीं हुआ, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ, परंतु शंख क्यों बजा? युद्ध आरंभ नहीं हुआ है पर शंख क्यों बजा? क्यों बजा रहे अपने बल के प्रदर्शन के लिए बजा? अरे श्लोक के अंदर ही उसके अनुवाद में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कि दुर्योधन जो समस्या लेके आया है, पहले उनकी सेनाओं की बात कर रहा है, फिर अपनी सेनाओं की बात कर रहा है, कंट्रास्ट पेश कर रहा है, उसके बाद इसका मतलब यह है कि दुर्योधन थोड़ा सा घबराया हुआ है, वो
वरीड है, उसकी वरी को दूर करने के लिए जो है शंख ध्वनि कर, जैसे हम कहते हैं ना कभी प्रॉब्लम जोर से बोल देते हैं, खुश हो जाए अल्लाह, हालांकि प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम्स तो है, परंतु फिर भी हम एक बार उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सेट करने के लिए जरा जोर से बोल देते हैं। इसी तरह जो है वहां पर भीष्म पितामह में जो है उन्होंने शंख ध्वनि, और लोगों ने समझा कि युद्ध का आरंभ होने वाला है। तो उस वक्त क्या हुआ, शंख बजे, भेड़िया बजी, पन्नव बजे, आनंद बजे, गोमुख बजे और सारे शब्द ध्वनि हो गए। यहां पर चर्चा यही हो रही है इसके बाद कि शंख नगारे बिगुल तुरही सिंह सहसा बज उठे, तब शंखाच भयश पन्नवान कौमुखा। ये अलग अलग जो चीजें हैं ये क्या है, पालक क्या है, गोमुख क्या है, पन्नव क्या है, भेरी क्या है, शंख क्या है, ये पांच चीजों का शब्द, पांच शब्द इस्तेमाल किए, ये पांचों चीजें क्या है, क्या हो। आनक किसे कहते हैं, आनक आनक कहते हैं मृदंग, मृदंग है या पखावज इसको आनंद बोला जाता है। ढोल बोलते हैं पन्नव, ढोल जो है लोहे का या लकड़ी का बना होता है, बकरे के चमड़े से बना होता है, इसको बजाया जाता है, ये हाथ से बजाते हैं, लकड़ी के डंडे से बजाते हैं। भेरी, भेरी किसे कहते हैं, नौबत, अगर पड़ा होगा मुसलमानों के जमाने में नौबत खाना हुआ करता था, भेरी बजाते, ये जो है लोहे या भैंस के बने चमड़े से होते हैं, डंडे से बजाए जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना जो बजाया जाता है, नौबत बजाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा ढोल की तरह होता है, और शंख आपको बताइए पूजा पाठ के लिए होता है, मांगलिक कार्य के लिए होता है, जो आरंभ करना होता है उसको। गोमुख, गोमुख किसे कहते हैं, गोमुख सांप की तरह होता है आकार में, किससे बनता है, इसका मुख जो है फ्रंट जो है गाय के मुंह की तरह होता है, और ये मुंह जब फूकते हैं आप इसको तब इसको बनाते हैं, जिसको कि आप एक बार देखा होगा वो ऐसे चलता है लंबा सा आगे जाके यूं हो जाता है, सामने से चौड़ा होता है, बाजे वालों के पास नहीं होता। अगर आपने कभी हमारे इस्कॉन के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के पीछे उनका एक ट्रुप था, इसे प्रोग्राम किया करते थे, हम उनको बुलाया करते थे जन्माष्टमी के फेस्टिवल के पहले, वो एक लंबा ना होता इस तरह करके और आगे जाके चौड़ा हो जाता है, एस शेप में सांप की तरह होता है, यूं करके चल जाता है। केवल आपने चंदा मामा में देखा होगा या इसमें कई पुरानी फोटो में देखा होगा, उसकी फ्रंट जो है पतली होती है, ऐसे ऐसे चलते चलते आगे जाके यूं होगा, फिर आगे जाके यूं हो जाएगा, एस शेप में सांप की तरह, उसे जो है गोमुख कहा जाता है। चौथे श्लोक में कहा जा रहा है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों से खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहां प्रश्न ये आता है कि घोड़े कह रहे थे, सफेद क्यों कहा, चलो सफेद घोड़े भी थे तो ठीक है घोड़े कहा जा सकता था, उसको श्वेत घोड़ा क्यों कहा, नंबर एक, और विशाल रथ, रथ कैसा है जो विशाल है, उसकी क्या विशालता है, क्या ब्यूटी है उस रथ की, क्या खासियत है उस रथ के अंदर, चलो और एक बात हो गई, हनुमान जी उस पर विराजमान, तो उसको सफेद घोड़े की क्या इंपॉर्टेंस है, इंद्र के पास से आया था ऐसा तो नहीं है, रथ भी में था तो इंद्र से नहीं आया, कहीं और से आया,
हर चीज की क्वालिटी है। अग्नि देव ने दिया था, यस, क्यों दिया था? वो रथ जो है अग्नि देव ने क्यों दिया था? क्या जरूरत है देने की भाई? आप मेरा कुछ काम करोगे तब आपको कुछ दूंगा, फ्री में खराब नहीं मान रहा मैं। आप बताओ, आप देते हो किसी को कुछ, तो आपका काम करेगा तब आप उसको दोगे। नहीं, ऐसा है कि अग्निदेव जो है, अग्निदेव को जब आप आहुतियां देते हैं तो आहुतियों में क्या डालते हैं आप? सामग्री होती है, घी होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। तो इतना कुछ जो है पचा पाना कई बार अग्निदेव के लिए भी संभव नहीं है, कोई उसको हजम नहीं कर पाते, अजीर्ण हो जाता। उस अजीर्ण को ठीक करने के लिए उन्हें जड़ी बूटियां चाहिए। वो जड़ी बूटियां मिलती है खांडव वन में, खांडव वन में। तो अग्निदेव जो है जो खांडव वन के अंदर जाके वहां से जड़ी बूटियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अर्थात खांडव वन को जलाते हैं, तो इंद्र रक्षा कर देते हैं, खांडव वन को जलने नहीं देते। जब इंद्र की वर्षा से जो है जो ऑब्स्टिकल्स है, तो अग्निदेव की सहायता करते हैं अर्जुन। अपने इंद्र कौन है? अर्जुन के पिता। अपने पिता से युद्ध करता और युद्ध करके जो है अग्निदेव की हेल्प करता है। जब अग्निदेव खांडवन खांडव भाग बोलते हैं, खांडवन को जला देते हैं, उनकी जड़ी बूटियों से उनका अजीर्ण ठीक हो जाता है। अब वो अर्जुन पर प्रसन्न है क्योंकि अर्जुन ने उनका काम किया। अब वो अर्जुन को जो है एक विशाल रथ देते हैं। उस रथ की क्वालिटी क्या है कि 9 बैलगाड़ियों के बराबर बड़ा। एक बैलगाड़ी में कितने अस्त्र आ सकते हैं? कितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं एक बैलगाड़ी में? तो उस जो है 9 बैलगाड़ियों के बराबर अस्त्र शस्त्र लेके अर्जुन जो है युद्ध के मैदान में डटा। अभी रथ प्रदान हुआ, अब रथ में घोड़े कहां से लगेंगे? घोड़े भी तो चाहिए, कौन खींचेगा? तो अर्जुन जो है उनका युद्ध होता है जब चित्ररथ के साथ, गंधर्व राज चित्ररथ के साथ। तो चित्ररथ जो है हारने के बाद जो है अर्जुन से मित्रता करते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें उपहार स्वरूप 100 घोड़े देना चाहता हूं। और 100 घोड़े देते हैं सफेद। तो अर्जुन से पूछता है कि आप मुझे 100 घोड़े दे रहे हो, उनकी क्वालिटी क्या है, गुण क्या है? तो गंधर्व राज चित्ररथ बोलते हैं इनके गुण ये है कि अगर एक घोड़ा मर जाएगा तो 100 के 100 पूरे हो जाएंगे, 99 नहीं होंगे कभी। तो युद्ध के क्षेत्र के अंदर अगर किसी के बांध से अगर कोई घोड़ा मर जाता है तो तुरंत 100 वो मतलब वापस वहीं का वहीं आ जाएगा। 4 घोड़ों का रथ है तो 4 के 4 तेरे बने रहेंगे, 8 घोड़ों का रथ है तो 8 के 8 बने रहेंगे, कभी कम नहीं, 100 के हमेशा 100 ही रहेंगे। तो वो एक स्पेशल रथ हो गया, जिसके घोड़े भी स्पेशल हो गए और रथ भी स्पेशल हो गए। अब रथ में ध्वजा है, ध्वजा है, परंतु उस ध्वजा के ऊपर जो है कौन विराजमान है, क्यों विराजमान है? भीम के भाई होने से विराजमान होने का कारण बन गया क्या? ऐसा है कि हनुमान जी जो है उनसे मुलाकात होती है भीम की। कैसे होती है कि वायु जो है एक दिव्य 1000 पत्तों वाला कमल, जिसको शेषदल कमल बोलते हैं, वो जो है द्रौपदी के आगे गिरा देता है। अब द्रौपदी जो है चाहती है कि ऐसा कमल मुझे और मिले, तो वो जो है
अपने पति भीम से प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेरे को ये सहस्त्र दल कमल और चाहिए। तो पता करते हैं कहाँ मिलेंगे, तो पता लगा ये कदली वन में मिलेंगे। तो कदली वन में जो है जब वो जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि बूढ़ा बालक जो है लेटा हुआ है। तो भीम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम भाई हटो, मुझे आगे जाना है और मुझे कदली वन से जाके सहस्त्र दल कमल लेके आना। तो बूढ़ा बालक उसे कहता है मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम ऐसा करो मेरी पूछ पाओ, मुझे साइड में कर दो और निकल जाओ, दांत पे तो तुम जा नहीं पा रहे हो। तो उसने जो है बहुत कोशिश करी परंतु उनको नहीं हिला पाया। तो भीम ने कहा कि मैं पवन पुत्र हूं, मेरे लिए 10,000 आदमियों का बल है परंतु मैं आपकी पूंछ को नहीं हिला पा रहा हूं, तो आप मुझसे भी ज्यादा बलवान है, आप है कौन, अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं क्योंकि मैं भी पवन पुत्र हूं, दोनों पवन पुत्र। जब ये चर्चा होती है तो जो भीम से प्रसन्न होकर जो है हनुमान जी उसको आशीर्वाद देते हैं और उसको वचन देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा और सिंहनाद करूंगा। सिंहनाद का मतलब है जैसे शेर आवाज निकालता है, इतनी जोर की आवाज निकालूंगा जिससे कि तुम्हारे विरोधियों के हृदय विदीर्ण हो जाए, फट जाए। परंतु उस ध्वजा की क्वालिटी क्या, वो एक योजन बड़ी ध्वजा 8 मील, और 8 मील बड़ी ध्वजा की दूसरी क्वालिटी क्या है कि वो रास्ते में जहां भी चली जाए, चाहे रास्ते में पेड़ आए, चाहे रास्ते में कुछ भी आए, वो अटके भी गए। हमारे यहां पर एक झंडा लेके चलो तो पता लगे गली में घुसे तो इधर पेड़ है, इधर पेड़ है, ऊपर खंभे में तार है। हाँ, तो कह रहे हैं कि एक योजन अर्थात 8 मील बड़ी ध्वजा है जो कहीं पर अटकेगी नहीं, सीधी रहे, और उस ध्वजा पर मैं विराजमान रहूंगा। किसी श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ है माधवा पांडवाश्च, माधव का अर्थ क्या है, माधव का अर्थ है मां का अर्थ है लक्ष्मी, और धव का अर्थ है पति, अर्थात लक्ष्मी पति कृष्ण जो है वो उनके बारे में चर्चा हो रही है। अब प्रश्न ये आता है कि उनकी तरफ से शंख बजाया है भीष्म ने, सेनापति है, पांडवों की तरफ सेनापति है दृष्टद्युम्न, पर शंख तो नहीं बजाया उसने, शंख किसने बजाया, कृष्ण ने, क्यों भाई, प्रोटोकॉल है ना, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रिसीव करेगा, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर रिसीव करेगा, कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर रिसीव करेगा, परंतु यहां प्रोटोकॉल क्यों चेंज हो गया, प्रोटोकॉल समझते हैं ना कि अगर जो है दूसरे देश का राष्ट्रपति आता है उसको हमारे देश का राष्ट्रपति रिसीव करे। वो तो दृष्टों का भी धर्म की रक्षा के लिए करेगा, शंख बजने का तो कारण एक ही है, सिंपल, वेरी सिंपल। अरे भाई अगर आपको शंख बजाना है, आप सेनापति हो, प्रेसिडेंट आ जाएगा तो कौन बजाएगा, प्रेसिडेंट, इज द इंपावर्ड, सबसे बड़ा वही है, कृष्ण है तो मुख्य कौन है, कृष्ण है, सेंटर ऑफ एक्टिविटी कौन है, कृष्ण है, केंद्र में कौन है, कृष्ण है, तो शंख वही बजाए और कोई नहीं बजाए। ये जो है एक प्रोटोकॉल से बात हट जाती है, कई बार जो है प्रोटोकॉल से हटना भी पड़ता। 15वें श्लोक में चर्चा आती है पांच जन्या ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रो महाशंख भीम कर्मा मृगोदरा, पांच जन्य एक शंख रूपधारी राक्षस था पंच जन्य जिसका कि भगवान ने वध किया था, तो वो शंख जो है भगवान को प्राप्त किया, इसलिए जो है वो पांच जन्य कहलाता। अर्जुन का शंख है देवदत्तम, वो इंद्र ने अर्जुन को दिया। जब इंद्र के साथ युद्ध हो रहा था तो जो निमातक चवादी थे उनकी जब उनको जब फाइट किया गया तो अर्जुन से प्रसन्न होकर इंद्र ने जो है उनको एक शंख बनाया। अर्जुन का नाम धनंजय है, क्यों है धनंजय,
राजसूय यज्ञ के समय उन्होंने राजाओं को जीतकर धन इकट्ठा किया था। प्रकोडर किसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है? भीम के लिए। क्यों? ऐसा है कि जठराग्नि जो होती है, जठराग्नि जो हमारे पेट में अग्नि है, उसमें से एक अग्नि है वृक, जो कि बड़ी पावरफुल है, बहुत शीघ्र हजम करती है और सब कुछ हजम करती है। तो भीम के जठर में, भीम के पेट में वो अग्नि वो बहुत खाता था। इतना खाता था कि एकादशी के दिन उपवास नहीं रख पाता था, इसलिए उसको सैंक्शन किया गया था कि तो साल में एक अगर एकादशी रख लेगा तो तेरे को बाकी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा, तो निर्जला एकादशी कहेंगे। तो यहां पर जो है उसको वृकोलर अर्थात जिसके उलर जिसके पेट के अंदर वृक नाम की अग्नि है वो भीम है। तो यहां जो है बता रहे हैं एक एक करके शब्दों का प्रयोग हो रहा। फिर भीम कर्मा, जो बागियों का नाम हो सकता है, अर्जुन हो सकता है, युधिष्ठिर हो सकता है, वो न करके भीम का नाम क्यों लिया गया? भगवान किसके साथ ही बने, नाम भीम का ले रहे क्यों भाई? बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई कौन है? युधिष्ठिर, उसका नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया? क्यों लिया? देखिए हिडिंबा सुर का वध किया, असुरों का वध किया भीम ने, जरासंध का वध किया भीम ने, कीचक का वध किया भीम ने। तो भीम कर्म अर्थात भीम के कर्म जो है वो बड़े पॉपुलर थे, पॉपुलैरिटी हो जाती है ना, उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया। तो भीम के कर्म ऐसे हैं कि वो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत, युधिष्ठिर के कर्मों की पॉपुलैरिटी भी हो रही, उसने किसी को मारा नहीं, पर भीम ने जगह जगह पर अलग अलग जो है बड़े बड़े असुरों का वध किया है, इसलिए भीम का नाम हो रहा है। अब इसके अंदर शब्द ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ क्या है? इंद्रियों के स्वामी, किसकी इंद्रियों को? आप सबकी इंद्रियों के, अपनी इंद्रियों के नहीं, तो दिव्य इंद्रियां हैं उनकी, उसके स्वामी तो है ही है, परंतु आप सबकी इंद्रियों के भी स्वामी है। हर शब्द से आया है ऋषि, सुखमय ऐश्वर्य से आया है ईश, और सुख से आया है क, और ऋषि इंद्रियों का, ईश स्वामी, इसलिए जो है उनको इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। परंतु आपकी इंद्रियों का स्वामी होने से क्या फायदा होने वाला है? तो भगवान का नाम बदल जाएगा, एक और नाम बदल, क्या नाम आ जाएगा सोच के बताइए। आपकी आंख क्या देख रही है? भगवान को पता है। आपके कान क्या सुन रहे हैं? भगवान को मालूम है। आपकी जीवा क्या रस लेना चाहती है, क्या रस ले रही है? भगवान को पता है। आपकी त्वचा क्या स्पर्श कर रही है? भगवान को पता है। अर्थात आपकी इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के स्वामी है। आपके मन में क्या चल रहा है भगवान जानते हैं, और कोई नहीं जानता। मेरे मन में क्या है ये नहीं जानते, इनके मन में क्या है मैं नहीं जानता, परंतु भगवान हम दोनों के मन की बात जानते हैं। तो जो आपके मन की बात जानता है, जो आपकी इंद्रियों का स्वामी है, उसका दूसरा नाम क्या हुआ? अंतर्यामी, आपके अंतर के स्वामी है, अंतर्यामी है। क्यों अंतर्यामी है? क्योंकि आपकी इंद्रियों के स्वामी, इसलिए भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है। अब जो हमने चर्चा करी थी कि भीष्म के आगे शिखंडी ना आ जाए, और समाप्त करेंगे 5 मिनट के अंदर, शिखंडी कौन है और शिखंडी की क्या चर्चा? तो 16, 17, 18वें श्लोक के अंदर जो है चर्चा हुई है
कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक शंख बजाए, महान दुर्योधन काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो शिखंडी कौन बताइए? फिर क्या हुआ? प्रतिशोध लूंगी तो किसके पास जाती है तपस्या करने के? यही तो कर 25 नंबर काशी राज नरेश। देखिए, सत्यवती के राजा शांतनु से देवव्रत के बाद दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रंगद। चित्रांगद का मृत्यु हो गई, चित्रांगद नाम से एक गंधर्व से युद्ध करते हुए, और विचित्र वीर जो है वो भोग विलास में इतना रत था कि वो जो है किसी कन्या का स्वयंवर में जीत नहीं सकता। तो सत्यवती ने कहा कि मेरा वंश आगे कैसे चलेगा? तो राजा भीष्म कहते हैं कि मैं तो आपके लिए कन्याएं ला सकता हूँ। तो काशी राज के यहाँ स्वयंवर हो रहा था, तो वहां पर जो है राजा भीष्म पहुंचे। तो जितने राजा बैठे थे सबने राजा भीष्म का मजाक उड़ाया, हे देखो बूढ़ा शादी करने चला आया, सफेद बाल सफेद दाढ़ी और स्वयंवर में चला आया। राजा भीष्म ने कहा, मैं शादी अपने लिए नहीं लाया हूँ, अपने भाई के लिए ले जा रहा हूँ, और तीनों कन्याएं हर के ले जा रहा हूँ, किसी में शक्ति हो तो मुझसे युद्ध करे और इनको छुड़ा ले। तो बड़ी हाय बाबा हुई, युद्ध हुआ। एनीवे राजा भीष्म जो है तीनों को ले गया, अम्बा अंबिका अंबालिका, और अपनी माता को सौंपा कि तीन लड़कियां हैं, इनका राजा विचित्र वीर से शादी। तो अंबा ने कहा कि मैंने शाल प्रदेश को भरा हुआ है, और ये बात तो मेरे पिता भी जानते हैं, अगर स्वयंवर होता तो मैं उन्हीं के गले में माला पहनाती, तो मैं मन से उनकी हो चुकी हूं। तो राजा भीष्म ने कहा, मैं तुम्हें शाल नरेश के पास भेज देता हूं, तो दो कन्याओं से विवाह हो जाएगा। तो अंबिका अंबालिका से तो विवाह कर दिया गया, और अंबा जो है उसको शाल नरेश के पास भेज दिया। तो शाल नरेश कौन सी जगह है? शाल आज का अलवर, शास्त्र में उल्लेख मिलता है, जो आज का अलवर है वो शाल नरेश। तो शाल नरेश ने कहा कि तुम हरी जा चुकी हो, तुमको जो है दूसरे व्यक्ति ने छू दिया है, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करता, तो उन्हीं के पास जाओ। फिर वो बात भीष्म के पास आई कि मुझे आपसे जो है विवाह करना है, क्योंकि शाल नरेश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप हर के लाए हो, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुझसे शादी करो। राजा भीष्म ने कहा कि मैं जो है प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं। देखो मैं कहां जाऊं? There was no answer। तब वो परशुराम जी के पास गए, ये आपके शिष्य हैं, इनको आप मेरे लिए बुलाइए। तो परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ, जो कि निर्णित नहीं हो सका। तो परशुराम ने कहा, राजा भीष्म को हराना संभव नहीं हो पाया है, मैं जो है तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हारा इलाज जो है सिर्फ शिव जी के पास। शिवजी के पास तो वो जो है तो शिवजी के पास गई है। तो शिवजी ने कहा, इस जो करण सिनेरियो चल रहा है, इसके अंदर तुम्हारा उससे विवाह नहीं हो सकता है, तो वे दूसरा जन्म लेंगे, जो भी चाहो कर सकती है। देखा, मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, विवाह नहीं करना चाहता, अब मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। तो प्रतिशोध के लिए इस जन्म में तो मैं नहीं हरा पाऊंगा, परशुराम नहीं हरा पाए, तुम क्या कर पाओगी? तो तुम जो है तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा। उसने कहा, मंजूर है, अब अगला जन्म। अब अगला जन्म क्या है, एक मिनट में इसकी भी चर्चा हो जाए। द्रौपद ने शिवजी की आराधना करी है, आशुतोष शंकर प्रसन्न हुए हैं, तो उन्होंने जो है उसको वरदान में कन्या दे दी।
द्रुपद ने कहा कि मुझे तो पुत्र चाहिए था, आपने कन्या दे दी। आशुतोष शंकर कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि यही कन्या जो है पुरुष बनेगा, क्योंकि तूने मेरी विधि पूर्वक आराधना करी है, तुम्हारा जो है जो तुम्हारी इच्छा है उसको पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, परंतु तुमने जो है पुत्र की इच्छा करी, मैंने तुम्हें पुत्री दे दी है, अब मैं ऐसा जुगाड़ करता हूं कि पुत्र पुत्री तुम्हारी पुत्र बन जाए। अब ये कैसे होगा, मुश्किल में आ गई बात। उन्होंने उसको पुत्र की तरह पाला, भगवान शंकर के वचनों में विश्वास था कि पुत्र बन जाएगा, तो पुत्र की तरह पाला, और राजा जो है हिरण्यवर्मा थे दशाल देश के, उससे शादी कर दी। अब उनकी जो पुत्री थी राजा हिरण्यवर्मा की, उससे शादी कर दी। अब वहां देखे कि दो लड़कियां हैं भैया, लड़की की शादी लड़की से हो गई तो क्लेश हो गया। अब इस क्लेश का इलाज क्या है, इस क्लेश का इलाज क्या है, इलाज तो कुछ है नहीं। तो राजा हिरण्यवर्मा की लड़की जो है और घर छोड़ के पिता के यहाँ, पिता से सारी बात कही, पिता को क्रोध आया, उसने राजा द्रुपद पे चढ़ाई कर दी, युद्ध हो रहा। अब ये जो है द्रुपद जो है वो फिर शिव जी की आराधना में लग गया, भाई आपने प्रॉमिस किया था कि लड़का हो जाएगा, लड़का हुआ नहीं, यहां तो युद्ध हो गया, मैं तो फंस गया आपके वचनों में विश्वास करके। इधर से जो है ये लड़की देखती है कि इसका नाम है शिखंडनी, ये लड़की देखती है कि मेरी वजह से युद्ध हो रहा, तो ये राजा द्रुपद का घर छोड़ के वन में चले गया। और वन में जो है एक बहुत ही दयालु यक्ष है स्थूलकर, वो जो है उसको दया आती है, लड़की रो रही है बैठी हुई जंगल में अकेली, उससे पूछता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। उसने कहा जी मेरे सो ये समस्या, मेरे पिता पे चढ़ाई करी हुई है, मैं लड़की हूँ, लड़की से विवाह कर दिया गया है, और मेरे को लड़का होना चाहिए था, लड़का मैं हो नहीं पाई, अब मैं बड़ी समस्या में हूँ, मैं नहीं जानती क्या सर। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा विद्या जानता हूँ कि अपना पौरुष तुमको दे सकता हूँ कुछ समय के लिए, ताकि तुम जो है युद्ध को टाल सको। उन्होंने अपना जो है पुरुषत्व उसको दे दिया, बोला जब समय आएगा तो मुझे वापस कर देना। तो वापस आई, लड़का बन चुकी थी, हिरण्य वर्मा के यहाँ मैसेज भेजा, लड़का है जी, उसकी पुत्री आ गई, लड़का था, मामला जम गया। परंतु जो स्थूलकर्ण है यक्ष जो है, उनके राजा है कुबेर, तो कुबेर एक बार जो है जब उसके राज्य में आते हैं और वहां आके देखते हैं कि स्थूलकर्ण उनके सामने ही नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहे, गुलाम स्त्री बन चुका हूं, क्यों बने, इसलिए बने, कहता जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम ये पुरुषत्व कभी बदल ही नहीं पाओ, हमेशा स्त्री रहो। अब वो शिखंडनी जो है, जो शिखंडी बन चुका है, वो उनके पास वापस आता है कि देखिए मेरा काम हो गया है, युद्ध टल गया है, कि मेरी पत्नी को संतोष हो गया है कि मैं पुरुष हूं, आप अपना पुरुषत्व वापस ले ले, मेरा अस्तित्व मुझे वापस कर दे। उसने कहा जी ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब तो मैं श्राप ग्रसित हूं, अब मैं सारे जीवन स्त्री ही रहूंगा और तुम सारा जीवन पुरुष ही रहोगे। परंतु जो कि जन्म स्त्री के रूप में हुआ था और वो स्त्री से पुरुष बनी, हिजड़ा नहीं था, जो लोग कहते हैं पीपल कॉल कि शिखंडी हिजड़ा था, नो, इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये भगवान शंकर का वरदान था लड़की से लड़का बनने का, उसमें हेल्प करी है स्थूलकर्ण यक्ष ने। तो ये बात भ्रांति मन से निकाल लीजिए कि शिखंडी जो है हिजड़ा था, नो। अब भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने किसी कन्या के साथ युद्ध न करने की कसम खाई हुई है, युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जन्म कन्या के रूप में हुआ है, इसलिए मैं इसके सामने आते ही हथियार छोड़। ये वो सिचुएशन है जिसने उन्होंने कहा है कि भीष्म का ध्यान रखो, इनको रक्षित सेना इनसे रक्षित है, परंतु तुम लोग जो है इनकी रक्षा कर। ये जो है सारी बातें चल रही है। अब आता है इसके बाद श्लोक संख्या 20, दो लाइनें सिर्फ 19वें के बारे में, इन विभिन्न शंकरों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर देगा।
धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो रहे हैं। पांडवों के क्यों नहीं हो रहे? पांडव भक्त हैं, दिल किसका घबराता? चोर का, कि जो चोर नहीं है उसका किसका दिल घबराता? अधर्मी का, अर्थात जो धर्म के मार्ग में नहीं है उसका दिल घबराता है। और दिल किसका घबरा रहा है? कौरवों का। जो पांडव है वो भगवान के भक्त है, उनका दिल नहीं घबरा रहा, दिल घबरा रहा है केवल कौरव। यहां जो एक बात शब्द इस्तेमाल हुई है वो है तुमुल। तुमुल मतलब कोलाहल, मतलब ध्वनि जो है उसमें कुछ आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि इतने शंख बजे कि ध्वनि जो है वो ऐसा लगा जैसे कि शोर लगा, कोलाहल पूर्ण हो गया। आप बीसवें श्लोक में कहते हैं अथ व्यवस्थित निष्ठा धाम राष्ट्र कपे ध्वज। तो अथ शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी तक अथ शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, प्रथम बार हुआ है। अथ का अर्थ क्या? आरंभ। इसी के बाद तो जो है ग्राउंड बनता है, जब उसको शोक के लक्षण प्रकट होते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में चले जाते हैं। इसके बाद जो है गीता का अभी तक तो भूमिका मानी जा रही है। अब भूमिका का जो एंड पॉइंट है वो दूसरे अध्याय के दसवें श्लोक तक चलेगा, और फिर उसके बाद ग्यारहवें श्लोक से एक्चुअल मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल अभी जो है अथ का मतलब ये है कि यहां पर भगवद गीता का टेक्निकली आरंभ हो रहा, आरंभ हो रहा। आप समझते हैं कि ये जो श्लोक संजय ने बोले भगवान ने कहे? भगवान ने बोला क्या? ये कड़ा है, वो कड़ा है, ये उसका दूसरा धनुष ऐसे था, इसका धनुष ऐसे था, क्या भगवान ने बोला? ये कुछ भगवद गीता के श्लोक ऐसे हैं जो गद्य फॉर्म में है, कुछ श्लोक ऐसे हैं जो पद्य फॉर्म में है, मतलब कुछ प्रोज है कुछ पोइट्री है। तो व्यास देव जी ने जो प्रोज के श्लोक थे उसको पोइट्री में कन्वर्ट किया। कि पहले जो है पहला अध्याय जो है भगवद गीता की भूमिका है, कि भगवान ने नहीं कहा कुछ, इसके भगवान नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से जाके श्री भगवान उवाच, तो भगवान ने बोलने शुरू किया। भगवद गीता को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है कि हे राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब पहली बार जो है 21वें श्लोक से अर्जुन जो है कृष्ण से कुछ कहेगा। आप 21वें श्लोक के बाद श्लोक करेंगे अगले सप्ताह, तो आज यहीं पर समाप्ति है। या हमने जो है कुछ थोड़ा डिफरेंट लोगों के बारे में चर्चा करी, कुछ बैकग्राउंड बताया। इसमें एक बात समझ लीजिएगा, भगवद गीता का संदेश क्या है एक लाइन में, इन वन लाइन। भगवद गीता आपको क्या संदेश है? एक लाइन। लंबा हो गया, मतलब थोड़ा लंबा हो गया, बहुत छोटा है। पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्र। आखिरी शब्द क्या है निकालिए? 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, नीतिर्मति मम, धर्म मम, मेरा, मेरा धर्म क्या है? अर्थात जीव का धर्म क्या? भगवद गीता के संदेश, पूरी भगवद गीता के अंदर यही मैसेज जो है उसको समाहित किया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न? श्री प्रभुपाद की।